राम राम जी सारा ने। और सब कैसे हो? उम्मीद करूँ भाई सब बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। तो भाई आज काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी दिन तक तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी हिम्मत से तो नहीं हो रही। तो कई दिन से सोचूँ ठीक है भाई ईद करूँ, ये आज बनाऊँ और आज डालूँ, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत ना हो रही थी। तो फिर आज हिम्मत से करके मका आज तो थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप ले ही लूँ, मका थोड़ा बहुत तो ब्लॉग बन ही जाएगा। तो आज डालूँ भाई, सब तरह रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो ने एंड तक जरूर देखियो भाई। और कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो सांझ के बज रहे थे भाई 4, तो मैं बना रही थी चाय, तो आज 3 बजे से नहीं बनाई थी, तो मैं कहा थोड़ा लेट सी है बना लूँगी। गर्मी में ऊँ भी चाय पीन का कम मैं जी करा है, सर्दी में तो फिर भी ये है कि 4-5 बार हो ही जाती मेरी। अब अरे गर्मी में तो 1 बजे सुबह पी लूँ और 1 बजे इस टाइम 3 बजे या 4 बजे, 3-4 बजे के करीब बना लूँ। तो फिर चाय बनाऊँ थी कुछ देर भाई, बीच में लेट गई थी मैं, मका थोड़ा लेट सी बनाऊँगी आज चाय, मन सा ना हो रहा था। तो फिर जैंत तुलसा के पत्ते लिया, तुलसा के लिया के दे दिए थे और फ्रिज में तो दूध निकाल के दिया था इसने। तो चाय फिर मैं अपने यार इनकी बनाया करूँ, तो बच्चा तो ये चाय ना देते भाई, बचपन तो ही ना देते, पर कई बार हो जाए कि भाई कुछ दिक्कत हो तो चप्पत दिया करो। तो जैन के कई दिन से दिक्कत हो रही थी, पहले तो चाय वगैरह ली, 1-2 दिन के गला दर्द कर रहा है, लेकिन देखा तो फिर छाले हो रहे थे मुँह में, तो इस वजह से जलन हो रही थी। तो इस तरह फिर मैंने मना ये कर दी थी गर्म चीज़ लेने से, ये तो घर वैसे भी ना लिया करे, हर शय है थोड़ा चाय का लाना वो चाय ले लिया करे। तो फ्रिज में बैंगन रखे थे, तो मकाई इतने इन्हें भी निकाल दूँ, भरता बनाना था मैंने, तो ये धो के ने रख दिए थे क्योंकि फ्रिज में काफ़ी ठंडे हो गए थे। तो मगर इतने नॉर्मल से हो जाएंगे चाय वगैरह पीवेंगे इतने, तो ये निकाल के ना धो साफ के ना रख दिए थे मैंने। तो मकाई भी इतने चाय बना पीऊँगी इतने हो जाएंगे नॉर्मल, फिर गैस पर भून लूँगी। तो ये चाय भी बन गई थी मेरी इतने, और चाय वगैरह छाड़ के ना, तो उसके बाद भाई बाकी काम देखूँगी। तबीयत ख़राब हो गई जब भी, ऐसी हालत हो रही है कि एक काम करूँ फिर लेट जाऊँ, एक काम करूँ और उसके बाद फिर लेट जाऊँ, ऐसे ही आराम आराम। तो भाई एक एक करके अपना काम हो जाए है, कुछ भाई बालक हेल्प कर दे हैं और कुछ फिर इनके पापा तो कर रहे हैं। तो फिर ये मैं बैंगन भूनने लग रही थी भाई, मैं तो मैं भरता बनाऊँ तो ऐसे ही भून के बनाया करूँ भाई, पहले के लोग आई थे चूल्हे चाले में भून लिया करती, अब पर मैंने तो मेरी माँ भी ऐसे ही भूनती देखी थी भाई, उन्हीं तो सीखा मैंने, तो मैं इसी तरह गैस पर चूल्हे पे भून लिया करूँ मैं। उबाले और मैंने पसंद नहीं आते भाई के कुछ कुकर में वैसे उबाल कर ना तब भरता बनावे, तो मैं तो डायरेक्ट गैस पर ही भून कर बनाया करूँ। तो 2-3 तो पहले ले आए थे, कई दिन पहले तोड़ के ले आए थे घेर में थे, और 2 आज ले आए थे, तो 4-5 हो गए थे, मैं सही तान बात जाएगी मैं। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से भाई घर का बुरा हाल हो रहा है, और 2 दिन की छुट्टी है, तो अब थोड़ा बहुत करके मैं संगवाऊँगी, थोड़ा थोड़ा समेटूँगी। पहले जो कपड़े धोए थे वही पड़े हैं, अब देखो भाई के घर पर मैज पे थोड़े 2-4 कपड़ा का प्रेस करी थी तो वो रखे हैं, बालक भी खाना पीना खावे हैं वही मैज पे छोड़ दे हैं, कपड़े भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, और सोफे के कवर भी धो रखे थे मैंने तो वो भी ऐसे कपड़े में पड़े हैं। तो ये थोड़ा बहुत अब समेटूँगी मैं, और थोड़ा कुछ कल और परसों समेटूँगी, और तो भाई मैं थोड़ा बहुत संगवा रही थी, इतना सब कुछ फैला पड़ा था तो कितना है संगवा लूँ, लेकिन फिर भी अगले दिन वही हाल पा जा है, जितना भी संगवाऊँ उतना, यानी छोटे बड़का ही डाल स्कूल की ड्रेस भी निकाल के अब धुले और कपड़ा मैं डाल दी, जैसे कि ब्लू कलर की शर्ट पड़ी है
और बैग भी सोफे पर इन कपड़ा पर डाल रखा है स्कूल का बैग भी, तो इस पर मैज पर कवर बिछा दिया फिर मैंने, और साथ में सोफे पर बिछा दूँगी, और जो कपड़े तय करके हैं उनकी तय करके मैं रखूँगी भाई, और जो प्रेस के हैं उनका कल करूँगी प्रेस। तो थोड़ा बहुत मैंने झाड़ दिया था क्योंकि थोड़ी सी दीवार ख़राब हो रही है, तो पीछे तो पानी मरकन है तो इस वजह से थोड़ी बहुत धूल वगैरह गिर जाए सफ़ेदी वगैरह सोफे पे, तो थोड़ा सा हटा कर रखा करूँ मैं इस वजह से इसने, तो ये बिछा कर ना, और उसके बाद वही बेड शीट मैं भी ठीक करूँगी, ये जो उसकी स्कूल ड्रेस थी वो भी फिर उठा कर मैंने मशीन में डाली, लेकिन शर्ट थी, पैंट तो शायद मशीन में डाल रखी थी, और स्कूल का बैग भी यहीं पर डाल रखा था सोफे पर, एक आधे कपड़े इस पर बेड पर पड़े थे तो उसकी लोअर था जेंट का, इसकी तय बना के रख दी थी जेंट बना के, पहले तो बेड पर ही लेटे ना तो फिर बेड शीट ठीक करती दिखी, तो इस वजह से सोफे पर ही आकर लेट गया बेचारा, तो इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है, ना कुछ खाया जा रहा है कि भाई खाना ही ढंग से खाया जाए, थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह या बिस्किट वगैरह ही ले लें दूध के साथ में या चाय के साथ में। तो बेड शीट भी करते भाई ठीक मैंने अच्छी तरह बिछा दी, काफ़ी इकट्ठी हो रही थी तो काफ़ी काम बढ़ जा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसको पहले भाई सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी, तो बाकी कल